हाय एवरीवन, वेलकम टू जवास लिटिल वर्ल्ड। सो आज ये बेबी वॉकर अनबॉक्सिंग कर रहे हैं जो कि फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे, और ये प्रोडक्ट पांडा ब्रांड का है। सो मेरी बेटी अभी 9th मंथ की है, तो इसलिए मेरे पापा और सना के पापा ने बोले कि अभी उसके लिए एक वॉकर ला लेते हैं। सो जैसे कि दूसरे बेबी बहुत जल्दी कोई 6-7 मंथ से ही वॉकर पे बिठाते, तो मेरे पापा और मेरे हस्बैंड दोनों ने ही बोले कि इतने जल्दी उसको हम नहीं बिठाएंगे, क्योंकि हर बेबी अलग होता है, सबकी ग्रोथ, तो कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है। तो इसलिए अभी उसका 9th मंथ है, तो अभी उसके लिए वॉकर लाए। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी देख रही है कि दादू क्या कर रहे क्या अनबॉक्सिंग कर रहे, उसे तो पता नहीं अनबॉक्सिंग क्या है। सो सबसे बड़ा पार्ट ये जो उसका वॉकर आया है, और उसके साथ भी बहुत कुछ आया है तो बाद में बोलती हूँ। तो ये पापा खोल रहे हैं, और ये प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा है, सबको घर में सबको पसंद आया। तो इसके अंदर ही दूसरा पार्ट्स आया था ये जो कि, और इसको पापा उसको खोल रहे, तो पहले पापा को भी समझ में नहीं आ रहा था, मतलब हमें भी फर्स्ट टाइम में कैसा एडजस्ट करना है, तो पापा उसको पहले खींच के एडजस्ट कर किए थे, फिर बाद में उसको जब उल्टा करके देखे कि पीछे उसका एक बटन सिस्टम है, उसको प्रेस करके आप आपकी बेबी की हाइट अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, आपकी बेबी को कितना हाइट चाहिए। तो ये पार्ट बाद में हम लोग ने देखे थे, तो बाद में मैं लास्ट में उसको ऐड कर दूँगी। सो यहाँ पे वही पापा सब देख रहे हैं, और यहाँ पे इसमें सब कुछ उस बेबी वॉकर का सब कुछ पार्ट्स आए हैं। तो अभी अगर कोई प्रोडक्ट ये परचेस करो तो इंश्योर करो कि इसमें 8 व्हील्स और 2 फ्लावर और 2 फैन और सामने एक डेकोर करने का एक टॉय आए। सो यही पापा पे काउंट कर रहे थे 8 इसमें है कि नहीं, तो बराबर सब कुछ बराबर था, तो वही पापा देख रहे हैं। उसके बाद पापा यहाँ पे व्हील्स लगा रहे थे, तो पापा को पहले लगा कि वो जो स्क्रू सिस्टम होता है जो घुमा के लगाने से, तो बट वो ऐसा नहीं था, इसको धीरे से प्रेस करने से ये लग जा रहा था। तो मैं भी बोली पापा शायद ये स्क्रू टाइप है, आप घुमा के टाइट कर दो, बट ऐसा नहीं था, हो भी नहीं रहा था। तो जब बाद में जब ऐसा करके सना इसमें बैठी, थोड़ी देर खेली, तो इसके 2-3 चक्के ना निकल गए थे, तो फिर पापा ने उसको उल्टा करके ज़ोर से प्रेस किए तो कट से आवाज़ आया, और सारे मतलब लॉक होने का एक जैसे कट से आवाज़ आया। तो हाँ, पापा बोले अभी नहीं खुलेगा, फिर मतलब आप भी जब उसको व्हील्स लगाओ तो उसको थोड़ा ज़ोर से प्रेस करो तो अपने जगह पे जाके सेट हो जाएगा। और पापा ये लगा लिए थे, बट उसका जो म्यूज़िक है तो वो बज नहीं रहा था, तो पापा बोले कि शायद अंदर उसके बैटरी या होगा सेल, बट ये बैटरी था जो वॉल पे जो घड़ी होता है बड़े बड़े दो, तो इसमें 2 बैटरी चाहिए था। तो पापा उसको खोले, फिर इसमें नहीं दिए इन लोगों ने बैटरी, तो हम लोग ने घर पे था तो वही लगाए, तो यहाँ पे लगा दिए पापा। उसके बाद में शूट की, मतलब वो 2 बटन खोल के यहाँ पे आपको 2 बैटरी लगाना है। और उसके बाद इसके जगह पे सेट करके आप धीरे से प्रेस करोगे तो ये लग जाता है आसानी से। और उसके बाद जो म्यूज़िक बजने लगा था तो सना भी देख रही थी, धीरे से आप प्रेस करोगे, उसका जगह एडजस्ट करना है, फिर अपने आप दबा दो तो अपने जगह पे वो एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो साइड के 2 फैन हैं उसको धीरे से प्रेस किए तो वो भी अपनी जगह जाके एडजस्ट हो जाता है। और साइड में जो फ्लावर है जो पापा ने फिर से लगा दिए थे, मैं शूट करना भूल गई थी, तो ये पार्ट भी मैं लास्ट में दिखाऊंगी। और यहाँ पे पापा वो सीट लगा रहे थे, तो जो कि उसके जो बटन है वो
मतलब कट करके था, मतलब अंदर ही था, उसको आपको प्रेस करके उसके बटन बाहर निकालना होगा। और यहाँ पे मेरी बेटी देखो खेल रही थी, खुद से खुद को सुला रही थी। घूमो घूमो चना घूमो 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 घूम पड़ो सना रे सना घूमो। और यहाँ देखो पापा सीट लगा रहे हैं। तो इस टाइप का मतलब एक कट था और बट इसके जो बटन है जो अंदर था तो प्रेस करके आपको उसको बाहर खींच के निकालना है, फिर आपको इस तरह से लगाना है। एक साइड पे लग जा रहा था, बीच में का थोड़ा हार्ड था, फिर पापा ने लगा लिए थे। तो यहाँ पे वॉकर का सीट लगा रहे थे, ये देखिए ये बटन सब अंदर था और वहाँ पे कट था, आपको प्रेस करके बाहर निकालना है। और जो इसका जो बड़ा वाला देख रहे हो आप होल, तो उसमें डाल के आप नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो एकदम एडजस्ट हो जाता है। तो इसी तरह से सारे लगा लिए पापा ने और मैंने भी थोड़ा। और जब भी आपके बेबी को बिठाओ मेक श्योर ऐसा दबा के देखो कि सारे बटन अच्छे से लगा हो। और लास्ट में सबसे जो उसका हैंडल है लास्ट में जो पीछे उसको लगाना है वॉकर के, तो पापा ने वो लगा लिए। ये थोड़ा ये लोहे का था, थोड़ा हार्ड था, तो पापा ने उसको ज़ोर से प्रेस करके लगा लिए। सो वॉकर इज़ रेडी। और देखिए कितना क्यूट सा, कितना प्यारा सा है, और मेरी बेटी सना को भी बहुत पसंद आया। और कोई इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। और ये देखिए जो उसका वॉकर का हाइट आप मेजर कर सकते हैं, अपने बेबी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है बटन जो इसको नीचे पीछे से प्रेस करके आपके बेबी के, यहाँ से देखिए बटन प्रेस करके आपके बेबी के हाइट के अकॉर्डिंग आपको जितना चाहिए उतना आप एडजस्ट कर सकते हो।